हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्राफ्टर मॉडल के इस एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि रेवा के अगर व्हील जाम होने लगे तो उसको किस तरीके से आप सर्विस कर सकते हैं, किस तरीके से उसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि भी पिछले कुछ दिनों से जो ये रेवा है इसकी जो रोलिंग है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, तो इस कारण से हमने डिसाइड किया कि अब इसकी व्हील की सर्विस की जाए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाड़ी को हमने छाया में लगा लिया है। सबसे पहले कि कौन सा गाड़ी का कौन सा व्हील जाम है, उसके लिए हम सबसे पहले ये करेंगे कि एक एक करके सभी व्हील के नीचे जैक लगाएंगे और उन व्हील को हैंड ब्रेक हटा कर उन पहियों को घुमा के देखेंगे, जिससे कि पता चल जाएगा कि कौन सा व्हील जाम हो रहा है। तो उस पर्टिकुलर व्हील की सर्विस हम लोग करने वाले हैं। वैसे साल 6 महीने में एक आध बार आपको सभी व्हील की सर्विस जो है कर लेनी चाहिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम पिछले व्हील से। तो इस तरीके से हमने अभी इसमें जैक लगाया है। तो ये हमारी गाड़ी उठ गई है और अब हम इसका हैंड ब्रेक रिलीज करेंगे। हैंड ब्रेक हटा दिया ना, ये फ्री है। हाँ रुक गया, ये वाला फ्री है, ठीक है, ये ओके है। अब इसके बाद में इसके आइदर साइड का ये थोड़ा सा मुझे जाम लग रहा है एक जगह। हाँ हाँ हाँ, ब्रेक लगाने पे रुक भी रहा है, घूम भी रहा है। फ्री है ये वाला भी, फ्री डिफरेंसर साथ में चल रहा है ना, इसलिए आपको टाइट लगा, थोड़ा सा टाइट लगेगा ये डिफरेंसर साथ में ना इसका। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ये बात, गाड़ी में डिफरेंसर मोटर इसी साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये वाला व्हील भी ओके है। अब अगला व्हील, अब हैंड ब्रेक लगा सकते हैं क्योंकि हैंड ब्रेक पिछले में ही लगता है। हो सकता है इतना ही उठता हो। हाँ हाँ रुका, हाँ ठीक है। और अब ये लास्ट वाला, क्योंकि दोस्तों 3 व्हील तो इसमें बिल्कुल फ्री निकले हैं, पर मुझे ऐसा महसूस होता था कि कोई ना कोई व्हील इसका एक जाम है। ब्रेक लगाने के बाद में गाड़ी उतनी फ्री नहीं हो पाती थी। अब देखते हैं, 3 व्हील हो चुके हैं, अब आखिरी व्हील बचा हुआ है सारा दारोमदार की वजह से एक व्हील पे। इसको जब ब्रेक लगा के छोड़ते हैं तो गाड़ी फ्री भी नहीं होती है। मैं ब्रेक लगाता हूँ तो वो टाइट हो जाएगा ये। तो गाइस फाइनली हमें एक होप मिली है कि जिसकी वजह से हमें ब्रेक लगने पे हल्का सा जाम है। इसका जो व्हील कैप है वो हमने निकाल लिया है और अब इसके बाद में इसका पाना। तो गाइस व्हील को खोलने के बाद में कुछ तरीके से हमको जो इसका ड्रम है वो निकालना होता है। हथौड़ी हाँ ले। तो गाइस जो प्रॉब्लम इसमें पहले आई थी कि इस तरफ का पिस्टन जाम है, वही इसमें इस बार भी है। ये वाला पिस्टन जाम है, तो अब शुरुआत करते हैं इसको खोलने की। इसके लाइनर हमने खोल दिए फटाफट।
तो ये है सर जॉरिक 88 जनरल वेयर एंड टियर प्रोटेक्शन मॉइस्चर और लुब्रिकेंट। तो वही सर्विस के बाद में आप देखिए दोनों जो पंप हैं बराबरी से खुलना चाहिए, ये देखिए ठीक ओके। अब इसकी जनरल माल पे एक बार क्लीनिंग करने से चिपकते नहीं है। तो गाइस लाइनर को चेक करते समय इस तरीके से अगर इसकी ग्रिप आउट हो जाए तो बाद में इसको थोड़ा बैलेंस कर दीजिएगा, नहीं तो रिम में से आवाज़ आ सकती है। Okay.